इसराइल और लेबनान के बीच लगातार तनातनी चल रही है। इस बीच इसराइल अब लेबनान में घुसकर ऑपरेशन करने के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि इसराइल गाजा की तरह लेबनान में भी घुसेगा। चलिए जानते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने अपने सैनिकों से लेबनान पर संभावित जमीनी आक्रमण के लिए तैयार रहने को कहा है। इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने नॉर्थ में सैनिकों से कहा कि हवाई हमले आपके संभावित जमीनी एंट्री के लिए किए गए हैं। आज हिजबुल्ला ने अपनी गोलीबारी की सीमा बढ़ा दी है और अब उन्हें बहुत कड़ा जवाब मिलेगा, खुद को तैयार रखें। इससे पहले इजरायली सेना और अमेरिका ने यह साफ किया था कि लेबनान में ग्राउंड इन्वेजन का कोई प्लान नहीं है, लेकिन हाल ही में दिए गए बयान कुछ और ही इशारा करते हैं। अमेरिका के सालाना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बताया कि वह तनाव कम करने और इसराइल और लेबनान के लोगों को सीमावर्ती इलाकों में अपने घरों को लौटने की इजाज़त देने के लिए एक अस्थायी युद्ध विराम प्लान पर भागीदारों के साथ काम कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दोनों पक्षों से पूरी तरह से युद्ध से पीछे हटने की गुजारिश करते हुए कहा कि यह लोगों और इलाके के लिए विनाशकारी होगा। आपको बता दें कि 17 सितंबर को लेबनान में कई पेजर्स में ब्लास्ट हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हुए। इसके एक दिन बाद यानी 18 सितंबर को वॉकी टॉकी फटनी शुरू हो गई। इन विस्फोटों की जिम्मेदारी इसराइल ने आधिकारिक तौर पर नहीं ली, लेकिन हिजबुल्ला ने कहा कि यह हमले इसराइल के जरिए कराए गए हैं। आपको क्या लगता है, इसराइल लेबनान में कितनी तबाही मचा सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं।